أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बहुत ही पावरफुल और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला के बारे में बोला था जिसका नाम था कंकेटिनेट। आज भी हम ऐसे ही एक पावरफुल और इंटरेस्टिंग फॉर्मूला के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सबस्टिट्यूट। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज अगेन टेक्स्ट फंक्शंस ऑफ एमएस एक्सेल पार्ट 5। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम एमएस एक्सेल में सबस्टिट्यूट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो आखिर तक देखिए, ये वीडियो आपको बहुत ही काम आएगा। एक्चुअली जो ये सबस्टिट्यूट फंक्शन, इट इज़ वेरी पावरफुल एंड इंटरेस्टिंग फंक्शन। एक्चुअली सबस्टिट्यूट होता क्या है? द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबस्टिट्यूट फंक्शन रिप्लेसेज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। इफ यू हैव टू रिप्लेस अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन एक्सेल, देन यू कैन यूज द सबस्टिट्यूट फंक्शन टू रिप्लेस दोस सेट ऑफ कैरेक्टर्स। बट आपको एक चीज का ख्याल रखना है, जो ये सबस्टिट्यूट फंक्शन है, इट इज एक्चुअली केस सेंसिटिव फंक्शन। दैट मीन्स अगर आपके पास टेक्स्ट में स्मॉल है तो आपको यहाँ पे स्मॉल ही लेना है। अगर आपके टेक्स्ट में कैपिटल है तो आपको फंक्शन में भी कैपिटल ही लेना है। दैट्स वाई इट इज अ केस सेंसिटिव फंक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक गिवन सेटअप टेबल है यहाँ पे, जहाँ पे हमने कुछ नाम लिए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इस सबस्टिट्यूट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले विल स्टार्ट फ्रॉम इक्वल टू साइन, उसके बाद एस यू वी सबस्टिट्यूट। ये देख लीजिए, हमारे पास सबस्टिट्यूट आ गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे सबस्टिट्यूट में हमारे पास चार आर्ग्यूमेंट्स है। सबसे पहले आपको टेक्स्ट लेना है, फिर उसके बाद ओल्ड टेक्स्ट लेना है, फिर उसके बाद न्यू टेक्स्ट लेना है, और उसके बाद इंस्टेंस नम लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट लेंगे। तो हमारे पास ये टेक्स्ट है, तो ये मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप सेल एड्रेस भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद कामा देना है। कामा के बाद आपको क्या करना है, ओल्ड टेक्स्ट, वो टेक्स्ट जो आप चेंज करना चाहते हो, वो टेक्स्ट जो आप चेंज करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे ए है, सुमाल ए, तो मैं इन्वर्टेड कामाज में सुमाल ए लिखता हूँ। केस सेंसिटिव है, आपको ख्याल रखना है। अगर आपकी टेक्स्ट में सुमाल है तो आपको सुमाल ही लिखना है। सुमाल ए किसके साथ आप चेंज करना चाहते हो, न्यू टेक्स्ट, तो मैं चाहता हूँ जहाँ पे भी सुमाल ए है वहाँ पे हम कैपिटल जेड आना चाहिए, तो कैपिटल जी आना चाहिए वहां पे, तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ। उसके बाद लास्ट वाला फंक्शन है इंस्टेंस नम। दैट मीन्स ये जो सुमाल ए है, आपके टेक्स्ट में सुमाल ए पहले भी आ सकता है, आखिर में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है सुमाल ए। तो आपको सिलेक्ट करना है जो ये सुमाल ए है ये किस लोकेशन पे, वेदर इट इज एट लोकेशन 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ पे, किस लोकेशन पे। तो मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा ये जो सुमाल ए है ये लोकेशन 1 पे है। That means starting character, first character, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं formula close करता हूँ। अब फिर से मैं आपको बोलता हूँ, पहले मैंने text, old text लिया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद वो character में लेता हूँ जिसको मुझे change करना है, उसके बाद वो character में लेता हूँ जिससे मुझे character change करना है, और उसके बाद मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है instance नाम। That means वो character किस location पे है, whether that is at first location, second, कहाँ पे है वो आपको लेना है। ये यहाँ पे ये मैं चाहता हूँ ये जो सुमाल है, इट इज एट स्टार्टिंग लोकेशन, दैट मीन्स इट इज एट फर्स्ट लोकेशन, दैट मीन्स ये पहला कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो दूसरा कैरेक्टर ये दूसरी लोकेशन पे है तो फिर आपको ये 2 लिखना है, और ऐसे ही, ठीक है। तो उसके बाद देख लीजिए आप कैसे ये जो सुमाल ए है, जहां जहां पे पहली लोकेशन में सुमाल ए होगा, दैट मीन्स पहला कैरेक्टर जहां पे भी सुमाल ए होगा, फर्स्ट जो आपके सेंटेंस में पहला कैरेक्टर सुमाल ए होगा, कैसे वो जी से चेंज हो जाएगा, ये देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट है दैट वाज आबिद मुश्ताक सिरवाल, ए जो था वो हमारे पास सुमाल था। देख लीजिए ए चेंज हो गया कैपिटल जी से,
ए चेंज हो गया कैपिटल सी, बाकी जहां पे भी स्मॉल ए है वो वैसे ही रहेगा क्योंकि हमने इंस्टेंस नम में दिया था फर्स्ट कैरेक्टर, तो यहाँ पे चेंज हो गया। अब देख लीजिए बाकी जगह भी जहां पे अगर किसी और टेक्स्ट में भी कहीं पे स्मॉल ए होगा तो वो कैसे इसको चेंज कर लेगा कैपिटल सी में, देख लीजिए। ये देख लीजिए यहाँ पे स्मॉल ए थे, ए था तो यहाँ पे कैपिटल जी आ गया, यहाँ पे भी स्मॉल ए था तो यहाँ पे कैपिटल जी आ गया, यहाँ पे भी स्मॉल ए था यहाँ पे कैपिटल जी आ गया। अब स्मॉल ए यहाँ पे भी है, स्मॉल ए यहाँ पे भी है, ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि हमने इसमें इंस्टेंट नाम दिया था फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, आप देख लीजिए मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पे मैं इंस्टेंट नाम अगर मैं नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे इंस्टेंट नाम, अब एक बार फिर से देख लीजिए कि हम नहीं देंगे, देख लीजिए फिर क्या होगा, जहां जहां पे स्मॉल ए होगा आपके टेक्स्ट में, जहां पे भी स्मॉल ए होगा वो कैपिटल जी से चेंज हो जाएगा। आप देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे पहले तो स्मॉल ए चेंज हुआ, आप देख देख लीजिए यहाँ पे स्मॉल ए है, यहाँ पे भी स्मॉल जी से चेंज हो गया। आप देख लीजिए हर एक टेक्स्ट में, आप देख लीजिए जहां पे भी स्मॉल ए है वो स्मॉल जी से चेंज हो गया, जहां पे भी स्मॉल ए है वो स्मॉल जी से चेंज हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो समझ आया होगा तो आप हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबाइए। खुदा हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।